हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्स कैजेड। हाँ तो गाइस, पुष्पा द रूल के ऑफिशियल टीजर के लिए जस्ट 3 डेज बचे हैं और इन्हीं 3 डेज के बाद अपने को पुष्पा द रूल का रियल तांडव दिखाई देने वाला है पुष्पा भाव का, जो कि इंडियन सिनेमा को भाई साहब काफी हेवी गूज बम देने वाला है। काफी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे, कॉमेंट कर रहे कि हर्ष भाई जस्ट 3 दिन बचे हैं, विद इन 3 डेज बचे हैं, लेकिन टीजर का ड्यूरेशन कितना होने वाला है, इसका रन टाइम कितना होने वाला है, कितना लंबा टीजर आने वाला है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस में जितने बड़े बड़े टीजर आए उसके मुकाबले ये टीजर कितना बड़ा होने वाला है, आपके पास कुछ अपडेट हो तो आप हमारे साथ शेयर कर दे। तो गाइस, टीजर से रिलेटेड कुछ रिलेवेंट अपडेट निकल कर आए हैं, जहां पर अपन उस पर बात करेंगे और थोड़े से कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। मैं सब बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते, किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते गाइस, जो भी लोग पुष्पा द रूल के इस टीजर को हल्के फुल्के में ले रहा ना, तो भाई साहब ये आपकी गलती होगी, क्योंकि ये टीजर नहीं है भाई साहब, मोस्ट एंटीसिपेटेड टीजर है, जो कि भाई साहब यूट्यूब को तोड़ फाड़ के जला जुलू के खाक करने वाला है। हाँ तो गाइस, पहले अपन बात कर लेते हैं टीजर के बारे में। तो गाइस, प्रीवियस में जो अपडेट निकल कर आई है, पहले गाइस अपन बात कर लेते हैं टीजर के रन टाइम के बारे में। तो गाइस, जैसे कि टीजर का जो अपडेट निकल कर आ रहा है, वो अपडेट ये निकल कर आ रहा है, इसका जो ड्यूरेशन होने वाला है 2 मिनट 40 सेकंड के अराउंड का बताया जा रहा है, 2 मिनट 40 सेकंड के अराउंड का बताया जा रहा है। तो गाइस, अब मैं ये सोच रहा हूं, कल तक जो अपडेट आई थी रिलेवेंट टीजर, वो ये निकल कर आई थी सिंगल टीजर होने वाला है, सिंगल वीडियो होने वाला, सिंगल डायलॉग होने वाला और सिंगल लैग होने वाला है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यार, 2 मिनट 40 सेकंड तक मूवी की टीम, डायरेक्टर सुकुमार कैसे क्या रेडी करने वाले हैं, कैसे डीएसपी सर म्यूजिक चढ़ाने वाले हैं, अगर इतना बड़ा भाई सब टीजर आएगा और इतना सिंगल टीजर होने वाला है, तो भाई साहब हो सकता है थोड़ा सा सॉन्ग और थोड़ा सा मारा पिटी हो, थोड़ा सा एक्शन सीक्वेंस हो, इस टाइप का कुछ सिनेरियो देखने को बन रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रीवियस अपडेट उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन गाइज, अगर सिंगल टीजर मल्टीपल सीन कट देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा ड्रामा देखने को मिलता है, पुष्पा भाव का स्वैग देखने को मिलता है, रॉरिंग देखने को मिलता है, एंगर देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो ड्यूरेशन होने वाला है तो 2 मिनट 40 सेकंड के अराउंड का ही बताया जा रहा है। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताऊं ना, देखिए टीजर कितना भी बड़ा हो भाई, वो 1 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, 4 मिनट का हो, आई डोंट केयर, बस इतना पता है कि पुष्पा भाव जब ऑन स्क्रीन आएंगे, मतलब कि जब यूट्यूब की स्क्रीन पर आएंगे, तो कहीं ना कहीं आग लगने वाली है। फैंस काफी ज्यादा मतलब होते ना, एक सरप्राइज होने वाले, सोचने वाले कि यार भाई सब ये ऐसा माहौल बनाकर चल रही है टीम, डायरेक्टर सुकुमार, लीड एक्टर आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर, तो भाई सब थिएटर का क्या हाल होने वाला है, किस टाइप का तांडव होने वाला है थिएटर में, ये कोई नहीं बता सकता है। बाकी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, अगर टीजर 2 मिनट 40 सेकंड के अराउंड का हुआ ना, लिटरली गाइज मैं बता रहा हूं, YouTube को फाड़ के रखने वाला है। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता वो तो समय के साथ पता चल ही जाएगा। वैसे गाइस, आप लोग हमें बताएं, इंडियाज मोस्ट एंटीसिपेटेड टीजर यानी कि पुष्पा द रूल के ऑफिशियल टीजर के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है और आपके क्या ओपिनियन है इसके ड्यूरेशन के बारे में, रन टाइम के बारे में, जो कि 2 मिनट 40 सेकंड के अराउंड का बताया जा रहा है। क्या लगता है टीजर के बारे में, अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।